बड़नगर बालिका छात्रावास नयापुरा, बड़नगर छात्रावास की बालिकाओं ने उनके साथ हो रहे अन्याय व शोषण के खिलाफ अन्य प्रकार व खाना पीना, रहना सहना, उठना बैठना, घूमना फिरना हर प्रकार से प्रतिबंधित कर दिया है, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। इसके लिए छात्रावास की छात्राओं ने ही कार्यरत कर्मचारियों को, जिसमें सर्वप्रथम रत्ना जानी मैडम और गीता बाई पर विशेष अत्याचार करने के साथ साथ पुष्पा बाई, शारदा बाई, मुन्नी बाई, राजकुमार सर और शिखर जैन सर का नाम भी बच्चों ने लिया है। इन स्टॉप के वार्डन पर कर्मचारी द्वारा प्रताड़ित करने का आरोप लगाया भी जाता है। छात्रावास की छात्राओं ने बताया कि मैडम प्रगति को हम बच्चों की वजह से उनकी जान को खतरा है व उनके जान से मारने की धमकी भी दी गई। एसडीएम एकता जायसवाल के आदेशानुसार नायब तहसीलदार सालिनी श्रीवास्तव द्वारा छात्रावास में जांच की गई। मीडिया को छात्रों ने बताया कि यहां पर मानसिक और शारीरिक शोषण हुआ है और यहां पर मुख्यमंत्री मामा शिवराज की भांजी जो कि बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। अंतर शासन और प्रशासन से निवेदन है कि सही निर्णय लेकर छात्रावास में हो रहे दुराचार को निष्पादित करें। मैडम के एकता जायसवाल जो मैडम हमारी पिछले आदेश अनुसार मैं यहाँ पर जांच जांच में हम लोगों ने दोनों पक्ष जो है बच्चों के हम लोगों ने बयान दिए और जो वार्डन है उनके बयान दिए, सहायक अधीक्षक सभी लोगों के बयान दिए हैं। जांच अब जो भी रिपोर्ट है हम एसडी मैडम को सबमिट करेंगे, आगे की कार्रवाई उच्च अधिकारी द्वारा की जाएगी। तो वैसे जहाँ तक आपने पाया तो कुछ निष्कर्ष क्या निकाला? ठीक है, प्रॉब्लम तो है यहाँ पे, पर जब क्योंकि जांच अभी चल रही है और हम कुछ बोल नहीं सकते हैं अभी किसके पक्ष में क्या रहेगा, तो उच्च अधिकारी डिसाइड करेंगे। मैडम आपका नाम? शिवानी श्रीवास्तव। नमस्कार। बहुत हिम्मत करी है सर, मेरे को तो बहुत दबाव है सब तरफ से, लेकिन मैंने बच्चों के हित के लिए अपना हित नहीं देखा है सर, है ना। मेरे साथ कल को कुछ भी हो सकता है, बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। ऐसा क्या हो गया, आप वोल्टेज चाहते नहीं हो तुम? हाँ?